दिव्या भारती बॉलीवुड का एक ऐसा नाम जिन्होंने बेहद कम उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। बॉलीवुड का हर निर्देशक उनके साथ काम करना चाहता था। अपनी एक्टिंग, अदायगी और खूबसूरती से उन्होंने सभी का मन मोह लिया और उनकी करीब सभी सुपरहिट फिल्में रही। आपको बता दें, उन्होंने 90 के दशक में बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिनमें शोला और शबनम, दीवाना और विश्वात्मा जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दिव्या भारती के रियल लाइफ हस्बैंड से रूबरू करवाएंगे, जहां आप जानेंगे उनके हस्बैंड इन दिनों कहां हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन दिलचस्प सवालों के जवाब। मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी साल 1974 को मुंबई में हुआ था। इसके चलते उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई मुंबई से ही की। वहीं अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर की, तो दिव्या ने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में करियर की शुरुआत की। उनके प्रयास शुरू हो गए थे। कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने 16 साल की उम्र में सफल तेलुगु फिल्म बोबिली राजा से सन 1990 में शुरुआत की। शुरुआती समय में भारती को कम महत्व वाली भूमिकाएं दी जाती थी। फिल्मी सफर में उन्हें सफलता हिंदी फिल्म विश्वात्मा से ही मिली थी। इसी फिल्म के सात समंदर पार गाने से उन्हें एक अलग पहचान मिली। दिव्या ने शोला और शबनम और दीवाना जैसी फिल्मों में शाहरुख खान, गोविंदा और ऋषि कपूर जैसे प्रशंसनीय अभिनेताओं के साथ सफलता हासिल की, जिसके बाद में उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्मफेयर अवार्ड मिला। उन्होंने 1992 और 1993 के बीच 14 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया था, जिसका हिंदी सिनेमा में कभी ना टूटने वाला रिकॉर्ड बन गया। उनकी अंतिम पूरी की हुई फिल्में सह अभिनेता कमल सदाना के साथ रंग और अभिनेता जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज थी, जिन्हें दिव्या की मृत्यु के बाद रिलीज किया गया। दिव्या भारती को अपने संपूर्ण करियर में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुद को ढूंढा और स्वयं का बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाने में कामयाब भी रही, लेकिन 1993 में हुई उनकी रहस्यमय मृत्यु से उनका करियर भी समाप्त हो गया। अब बात करें दिव्या के रियल लाइफ हस्बैंड के बारे में, तो आपको बता दें उन्होंने साजिद नारियटवाला से शादी रचाई थी। बताया जाता है इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। बता दें फिल्म शोला और शबनम के सेट पे दिव्या भारती ने पहली बार साजिद को देखा था, जहाँ पहली नजर में साजिद दिव्या भारती को अपना दिल दे बैठे। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे। इसके कुछ समय बाद ही 10 मई साल 1992 को दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। हालांकि शादी के एक साल बाद ही 5 अप्रैल साल 1993 को बिल्डिंग से गिरने के बाद दिव्या भारती की मौत हो गई थी। दिव्या की मौत के बाद साजिद ने वर्दा खान से दूसरी शादी कर ली। आपको बता दें वर्दा खान ने खुलासा किया कि साजिद आज भी दिव्या की फोटो अपने बटुए में रखते हैं। साजिद नाडियाडवाला प्रोफेशन से फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने मुझसे शादी करोगी, जुड़वा और हीरोपंती जैसी ना जाने कितनी फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। अगर बात की जाए इनके आज के बारे में, तो आपको बताते चलें कि आज साजिद नाडियाडवाला 56 साल के हो चुके हैं और अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि ये पहले के मुताबिक काफी मोटे हैं और इनके चेहरे पे बुढ़ापे का असर साफ तौर पे देखा जा सकता है। तो इस दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें इस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।